हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में तुम लोग कुछ ऐसे बैकग्राउंड को रिमूव करके दिखाऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें सारा प्रोसेस तुम लोग को एक स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाऊंगा। एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लो। ओके, एंड जिस भी फोटो का बैकग्राउंड को इरेज करना चाहते हो सिंपली सब ओपन पर जाके यहाँ से फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेना। ओके, सो फोटो ओपन होने के बाद यहाँ से आपको इसके साइज़ को बड़ा कर लेना है। देन कंट्रोल प्लस से ये जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा। ओके, सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस लेयर की डुप्लीकेट बनाएंगे। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए इस लेयर को पकड़ के यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। उसके बाद अपन को लेना है पेन टूल। ओके, पेन टूल बैकग्राउंड इरेज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सब लोग यही यूज़ करा करो, सबसे अच्छे तरीका यही है। ओके, बाकी कुछ भी लोग बताते हैं वो सब मत देखा करो। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, इनको ध्यान से तुम लोग देख लेना। ओके, तो ये जो आपकी सेटिंग है ये पाथ पे सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, ये सेफ रहता है, ये पाथ रहता है, पाथ पे सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, पेन टूल सेलेक्ट कर लेना, बाकी इस सेटिंग को इस तरह से रख लेना। ओके, उसके बाद फ़ोटो को क्या करना है, जूम करना है। देखिए आप, मैं इस फ़ोटो के हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने फ़ोटो के हिसाब से यही चीज़ें करिएगा। ओके, तो सिंपली से क्या करना है कि आपको एक जगह से इसको ड्रॉ करना शुरू करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ शुरू करता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हैंड का जो बटन होता है, ये स्पेस बटन जब आप दबाओगे तब आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद आपको बस ऐसे कर कर के बढ़ाते जाना है। ओके, जहाँ पास मोड़ आएगा मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, हैंडल को पकड़ के इस तरह से रोटेट करना है। ओके, ध्यान से देखिएगा, जैसे हैंडल को पकड़ के इस तरह से रोटेट करना है। ओके, कुछ इस प्रकार से। देखिए इस काम में बहुत ही बारीकी रखनी होती है, तभी आपका बैकग्राउंड जो है अच्छे से इरेज होगा, नहीं तो फोटो का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब मान लीजिए कहीं पास सिलेक्शन गलत हो गया है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस जेड करना है। ओके, कंट्रोल प्लस जेड करोगे तो ये अंडू हो जाएगा। सो सिंपली सा मैं देखिए जैसे बढ़ाते जा रहा हूँ, और सिंपली सा आपको भी ऐसे ही बढ़ाते जाना है। तो चलिए मैं इसको अब फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ, फिर पूरी सिलेक्शन बनाने के बाद। सो गाइस, इतना लाने के बाद तुम लोग कुछ इतना मिला देना। ओके, यहाँ पर जैसे ही आप लास्ट पॉइंट पे आओगे इस प्रकार से मिला देना। ओके, उसके बाद कंट्रोल माइनस करके इसे अनजूम कर लेना। देखो यार, हमसे इस फोटो में जितना हो सका हमने बेहतर करने की कोशिश की है, बट इतना परफेक्ट ये नहीं होगा, क्योंकि ये आप भी जानते हो ये डाउनलोडेड फ़ोटो है। ओके, तो जो डाउनलोड फ़ोटो रहती हैं वो मतलब उनका पिक्सल वगैरह तो आप जानते हो कम हो जाते हैं, बट आप लोग जब कैप्चर करोगे और फिर उसे एडिट करोगे तो फ़ोटो अलग ही रहेगा। तो इस ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है कि कहीं पर भी फोटो जो सिलेक्शन बना उसके अंदर एक राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेक सिलेक्शन, उस पर एक बार क्लिक करना है।
देन मैं यहाँ पे 0.5 का फैदर दे देता हूँ। ओके इतना मैं फैदर दूंगा एजेस वगैरह इसकी स्मूथ करने के लिए। सो फैदर देने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे मास्क कर दूंगा। ओके तो आप मास्क करने के बाद आप लोग देखिए कैसा होता है। अब जैसे मैं इस फोटो को हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो कंप्लीट तरीके से हट चुका है। अब आप यहाँ पे भी देखना कि थोड़ा सा ये रह गया है, तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे यहाँ पे रह गया है तो हमको क्या करेंगे कि यहाँ से लेंगे इरेजर टूल। ओके यहाँ सिंपली से इरेजर टूल लेके आप लोग कुछ इस प्रकार से इसे इरेज कर देना, बहुत ही सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है। ओके तो इस तरह से आप लोग इरेज कर दोगे तो जैसे आपका वहाँ पे इरेज हुआ है सेम उसी तरह से यहाँ पे भी इरेज हो जाएगा। सो मैंने जल्दी जल्दी से इसे इरेज कर लिया, तो देख सकते हो तुम लोग कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो अच्छे तरीके से इरेज हो चुका है। ओके सो गाइस आप इस फोटो को जिस भी बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि बैकग्राउंड को कैसे इरेज किया जाता है। अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो सिंपली से कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस बटन दबाना। ओके यहाँ पे से जेपैग पीएनजी जो भी सिलेक्ट करना है क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना। ओके तो एंड अगर आप कुछ और भी ट्यूटोरियल देखना है तो कमेंट करके बता देना, एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।